बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे और खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज मेरा दिन स्टार्ट हुआ था, मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, तो बस ये मैंने कपड़े डाल दिए थे और इसमें मैंने सर्फ ऐड किया था और मशीन अपनी स्टार्ट कर दी थी। स्टार्ट करने का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ऑटोमेटिक मशीन चलाना या हेल्प करूँ इसमें कि कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको चलाने की कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आपने इसका पानी का लेवल सेट करना होता है, वॉश टाइम सेट करना होता है अपने कपड़ों के हिसाब से, रिंस या जो थाड़ते हैं कपड़े उसका टाइम सेट करना होता है एक बार दो बार, और उसके बाद स्पिन आपने कितनी बार करवाना है उसे सेट करना होता है। तो मैं हमेशा क्विक पे कपड़े धोती हूँ, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होती है, मतलब आपकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती और कपड़े भी अच्छे से धुल जाते हैं। इधर ना मुझे आवाज़ आ रही थी अब्दुलहद की, तो मैंने देखा तो वो अब्दुलहद नीचे खड़ा हुआ था अपनी ना सिस्टर्स के साथ, मतलब अपनी कज़न्स के साथ ना, वो अपने भाई को ट्यूशन छोड़ने गई थी। वो अब्दुल्ला भागता हुआ जा रहा है ट्यूशन, तो बस अब्दुलहद भी उनके साथ चला गया था। तो मैं अंदर आ गई, अंदर कमरे में मैं आई तो देखा कि मेरा जो मोर था, कोको था, वो बेचारा उदास बैठा हुआ था क्योंकि हमने उसको उसकी जगह से हटाया था। तो मैंने इसको प्यार से उठाया क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये माशाल्लाह इसको 1.5 महीना होने वाला है और इसकी हवा अभी तक नहीं निकली है, बलून है बेसिकली। तो बस ये अब्दुलहद फिर वापस आ गया था, अस्मा फातिमा बैठी हुई थी मोइस को गोद में लेकर। तो मैंने अब स्टार्ट कर दी थी अफ्तारी की तैयारी, मैंने बनाए थे क्लब सैंडविचेस, उसके लिए मैंने लिए थे 2 बॉयल एग और ऑलमोस्ट 100 to 150 ग्राम्स बॉयल चिकन था। तो इन दोनों को मैंने एक बाउल में पहले मिक्स कर लिया, पहले मैं बॉयल एग्स को मैश कर लूँगी और दोनों को अच्छे से फोक की हेल्प से मैश करके उसके अंदर मैंने जो है बॉयल चिकन ऐड करना है। क्लब सैंडविचेस बहुत मज़े के लगते हैं, लाइट वेटेड भी होते हैं, कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस भी नहीं होती कि इसको बनाएं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, और आसानी से बन जाते हैं। बस सब कुछ बॉयल करना होता है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते, क्योंकि ऑयली चीज़ें खा खा के भी बंदा जो है ना रमज़ान में थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा था आज ऑयली आइटम ज़्यादा नहीं होंगी। अच्छा, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून होममेड मेयोनीज ऐड की थी और 1 टेबलस्पून मैंने इसके यम्स की मेयोनीज ऐड की थी, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा डिवेलप करने के लिए। फिर मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड की थी। अच्छा, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया और साथ ही मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था 1 टेबलस्पून दोनों, रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, इसका भी बहुत अच्छा सा थोड़ा स्पाइसी सा टेक्सचर आता है, मतलब टेस्ट आता है। तो बस मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, अपना बैटर मटेरियल तैयार कर लिया था, और इसको अब हम अपने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे और अपने क्लब सैंडविचेस बना लेंगे। यहाँ मैंने एक स्लाइस लिया और उसके ऊपर अपना मटेरियल लगा दूँगी अच्छे से, आपने आपकी मर्ज़ी आप इसके अंदर कोकम्बर और टोमेटो सलाद के पत्ते या बंद गोभी जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने इसके अंदर ही बैटर यूज़ किया था और साथ ही केचप ऐड कर दी थी और उसको 2 पीसेस पे डिवाइड कर दिया था। इस तरह मैंने 2 सैंडविचेस बनाए थे और उसे प्यारा सा केचप की हेल्प से और कोरिएंडर लीव्स से मैंने डेकोरेट कर दिया था। तो हमारी एक अफ्तारी की डिश रेडी हो गई थी। उसके बाद जी मैंने बॉयल स्पैगेटीज ली थी और उसमें मैंने बॉयल चिक पीस वाइट चने जो होते हैं वो ऐड किए थे और बॉयल्ड बीन्स रेड बीन्स लोबिया जो होते हैं ये मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, मेरा जब दिल करता है मैं इसकी ये वाली सैलेड बना लेती हूँ, थोड़ी रशियन सैलेड का टेक्सचर होता है, और इसमें मैं एक बड़ा एप्पल काट के ऐड करूँगी। तो ये बहुत ही लाइट वेटेड बहुत ही मज़ेदार सी लगती है, कोई ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं लगती है ना खाने में। इसमें मैंने होममेड इमली की चटनी मैंने बनाई हुई थी ये ऐड की है अपनी, और इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरी ख़त्म होने वाली है बिल्कुल। यहाँ मैंने रेड चिली सॉस भी थोड़ी सी ऐड की है, इससे ना बिल्कुल बाजार वाला फ्लेवर आता है जिस तरह रशियन सैलेड मिलती है ना, तो बस इसके बाद मैंने चाट मसाला ऐड किया था और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये हमारी सेकेंड डिश जो थी अफ्तारी की तैयार हो गई थी।
अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने बनाए थे क्रीमी दही भल्ले, और ये मैंने मूंग दाल के भल्ले बनाए थे, और डिनर में खाने की जगह मैंने ना चॉकलेट केक बनाया था। तो ये और ये प्लेटर आया था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा था, और बहुत मज़े का प्लेटर था, उसमें स्प्रिंग रोल थे, पकोड़े थे, और ये चना चाट थी। आज ना मुझे ना ड्रॉ में से अपने निकाह पेन मिले, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब तो अपनी सही कंडीशन में नहीं रहे, लेकिन ये बहुत प्यारे हैं और मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए। तो बस इनके साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।